अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नगमा किचन में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ईद के बाद आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ और आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन यखनी पुलाव। माशाल्लाह ये पुलाव बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो चलिए फिर बनाते हैं और आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए फिर फटाफट से बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मसाले दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या मसाले ली हूँ। तो यहाँ पे मैं ली हूँ अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, प्याज, और इस तरीके से प्याज भी मैं कट करके रखी हूँ, दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्ची का पेस्ट, यहाँ पे है हरा धनिया और पुदीना, और साथ में मैं ली हूँ खड़े गर्म मसाले। तो पहले आप लोग ये सारी चीज़ें देख लीजिए और मैं कितना कितना ली हूँ वो सब मैं आप लोग को डालते वक्त ही बता दूँगी। यहाँ पे मैं खड़े गरम मसाले ली हूँ, तो पहले आप लोग देख लीजिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं रख दी हूँ यखनी बनाने के लिए पानी। तो ये मैं चावल के हिसाब से पानी ली हूँ, चावल में 3 गिलास ली हूँ, तो यहाँ पे मैं 6 गिलास पानी गरम होने के लिए रख दी हूँ। तो इसमें मैं डाल दूँगी ये खड़े गरम मसाले जो मैं अभी आप लोग को दिखाई। तो इसमें मैं ली हूँ 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच साबुत सौंफ, 1 चम्मच जीरा ली हूँ, 3 से 4 तेज़पत्ता है, 2 इंच का दालचीनी, 4 से 5 हरी इलायची, 2 स्टार फुल, 2 बड़ी इलायची, आधा टुकड़ा मैं ली हूँ जावेत्री, 4 से 5 है लौंग और 8 से 10 काली मिर्च। ये सारे खड़े गरम मसाले हम पानी में डाल देंगे और साथ में इसमें मैं डाल दूँगी ये 4 हरी मिर्ची, 1 मीडियम साइज़ का प्याज ली हूँ, 1 गांठ लहसुन ली हूँ जिसको मैं छील ली हूँ, और 2 इंच का अदरक ली थी जिसको मैं मोटे टुकड़े में कट कर ली हूँ। और इसी के साथ मैं डाल दूँगी नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं 2 छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ, बाद में अगर ज़रूरत लगा तो और इसमें मैं डालूँगी। अब अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे और साथ में ही मैं इसमें डाल दूँगी चिकन। तो यहाँ पे मैं 750 ग्राम चिकन ली हूँ जिसको मैं अच्छे से साफ़ करके धो ली हूँ, तो वो मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पे देखिए चिकन मैं ले ली हूँ, अब ये सारा चिकन मैं इसमें डाल दूँगी। चिकन को पहले ही मैं साफ़ करके धो ली थी और इसको मैं छन्नी में रख दी थी, इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल गया है। और अच्छे से अब इसको मिक्स कर लेंगे ढक करके। अब हम इसको हम कम से कम 15 से 20 मिनट मीडियम आंच पे बॉईल करेंगे। 50% चिकन गल जाना चाहिए, बाकी का तो हम चावल के साथ में दम पे पका लेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए 15 से 20 मिनट हो गए हैं मीडियम आंच पे चिकन को बॉईल होते हुए, और आप देख सकते हैं चिकन हमारा 50% गल गया है और यखनी माशाल्लाह अच्छे से तैयार हो गया। तो अभी मैं गैस बंद कर देती हूँ। अब यखनी में से हम चिकन को अलग कर लेंगे और यखनी को अलग छान करके रख देंगे। इसमें जो हमने मसाले डाले ना, अच्छे से फ्रेंड्स निचोड़ करके और किसी चीज़ से दबा दबा करके सारा यखनी निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सारा चिकन निकाल ली हूँ और ये जो यखनी है ना, इसको भी मैं छान करके अलग रख दूँगी। तो यहाँ पे देखिए यखनी को भी मैं छान ली हूँ, अभी इसको मैं रखती हूँ साइड में। यहाँ पर मैं रख दी हूँ कढ़ाई, इसमें मैं डाल दूँगी 3 से 4 बड़े चम्मच तेल। तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो इसमें मैं डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ प्याज। तो ये मैं 3 मीडियम साइज़ का प्याज ली थी जिसको मैं इस तरीके से बारीक कट करके ले ली हूँ। तो प्याज को हमें लाइट गोल्डन होने तक पकाना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना है प्याज को। मैं आगे आप लोग को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए प्याज अच्छे से लाल हो गया है, देखिए ज़्यादा डार्क भी नहीं है, इस तरीके से ही प्याज को हमें लाल करना है। इसमें से मैं अभी थोड़ा सा निकाल लूँगी ऊपर से गार्निशिंग के लिए, और बाकी का प्याज मैं इसी में रहने दूँगी। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैं निकाल रही हूँ और जो बाकी का प्याज है ना, ये अच्छे से लाल हो गया है। अभी मैं इसको रख कर देती हूँ साइड में, और इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच शाहजीरा और 2 से 3 तेज़पत्ता डाल दूँगी। यहाँ पर देखिए मैं ले ली हूँ, और कोई खड़े गरम मसाले इसमें हम नहीं डालेंगे। जितना भी मसाला हमें डालना था वो पहले ही हमने यखनी में डाल दिए हैं, और कोई खड़े गरम मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ मैं शाहजीरा और तेज़पत्ता ली हूँ। इसको भी हम तेल में थोड़ा सा क्रैकल होने देंगे, उसके बाद इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पे देखिए मैं ले ली हूँ, तो इसमें मैं 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। अब अदरक लहसुन को भी हम 1 से 2 मिनट चलाते हुए धीमी आंच पे भून लेंगे ताकि जो अदरक लहसुन का कच्चापन है अच्छे से भून जाए। तो यहाँ पे देखिए अदरक लहसुन को मैं 1 से 2 मिनट चलाते हुए भून ली हूँ, और अब इसमें मैं डाल दूँगी चिकन जो हमने बॉयल करके रखे हैं, वो सारा चिकन इसमें हम डाल देंगे और अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। और इसी के साथ इसमें मैं डालूँगी हरी मिर्ची का पेस्ट जो मैं आप लोग को दिखाई। तो मैं 8 से 10 हरी मिर्ची ली थी जिसको मैं क्रश करके ले ली हूँ बिना पानी डाले,
अगर आप तीखा कम खाते हैं तो मिर्ची आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, कम या ज़्यादा करके, जैसा भी आपको तीखा पसंद है उस हिसाब से। तो यहाँ पे मैं अपने हिसाब से मिर्ची ली हूँ, तो ये हम इसमें डाल देंगे और इसको भी हम एक मिनट के लिए चलाते हुए अदरक लहसुन और चिकन के साथ में ही भून लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अदरक लहसुन हरी मिर्ची को मैं अच्छे से भून ली हूँ चलाते हुए। अब इसमें मैं डाल दूँगी दही, तो यहाँ पे मैं 150 ग्राम दही ली हूँ, दही को अच्छे से मैं फेंट ली हूँ, तो ये इसमें मैं डाल दूँगी और अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। अभी इसको मैं ढकूँगी नहीं, इसी तरह से चलाते हुए दही को और मसाले को भूनूँगी। अभी इसको मैं ढकूँगी नहीं, इसमें अब डाल दूँगी मैं 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर। यहाँ पर देखिए मैं ले ली हूँ। अभी सारे मसाले को ना हम दही के साथ में चलाते हुए भून लेंगे, ताकि जो दही का पानी है अच्छे से सूख जाए और मसाला भी हमारा अच्छे से भून जाए। तो इसको चलाते हुए भूनना है। तो यहाँ पे देखिए मसाला अच्छे से मैं भून ली हूँ और दही का जो पानी था अच्छे से सूख गया है, सारा तेल ऊपर आ गया है। और अब इसमें मैं डाल दूँगी यखनी जो हमने बना करके तैयार करे हैं, वो सारा यखनी इसमें डाल दूँगी मैं। तो यहाँ पर पहले ही आप लोग को बता दी थी कि मैं चावल के हिसाब से पानी डाली थी यखनी के लिए, तो ये पूरा परफेक्ट पूरा यखनी बना था, तो ये पूरा मैं डाल दी हूँ। अगर आप लोग का ज़्यादा होता है या फिर कम होता है तो उस हिसाब से आप लोग एडजस्ट करके डाल दीजिएगा। अगर कम है तो आप इसमें थोड़ा पानी डाल दीजिएगा, और नहीं तो ज़्यादा है तो उस हिसाब से आप अंदाजे से या फिर जो गिलास से आप चावल नाप करके ले रहे हो उसी से आप नाप करके यखनी को डाल दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1/2 नींबू का रस, जिससे कि चावल हमारे एकदम खिले खिले बनेंगे। और इस पॉइंट पे ना आप नमक चेक कर लीजिएगा, कम लगे तो डाल दीजिएगा। तो मैं भी डाल दी हूँ इसमें नमक चावल के हिसाब से। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना, और साथ में इसमें डाल दूँगी 3 से 4 बूंद केवड़ा वाटर। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और खुशबू दोनों ही आएगा, तो आप लोग डाल दीजिएगा इसमें। अब अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे और ढक करके 1 उबाल आने तक पानी में इसको हम पकाएंगे। तो चलिए इसको मैं ढक देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए पानी में अच्छे से उबाल आने लगा है, तो अब इसमें मैं डाल दूँगी चावल। तो यहाँ पे मैं बासमती राइस ली थी, जिसको मैं 1/2 घंटे पहले ही धो करके भिगा के रख दी थी। चावल अच्छे से हमारा भीग गया है, तो यहाँ पे मैं सारा चावल डाल दूँगी। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ये देखिए इस तरीके से। आप चावल और पानी को माप करके बनाएंगे ना, बिल्कुल भी चावल गीला या टूटा हुआ या फिर चिपचिपा नहीं बनेगा, अगर आप इस तरीके से नाप करके बनाएंगे तो। यहाँ पे देखिए मैं इसको ढक करके मीडियम टू हाई फ्लेम पे चावल को पका ली हूँ। चावल का जितना भी पानी था अच्छे से सूख गया है, अभी भी पानी है लेकिन ऐसे ही हमें चाहिए। तो अभी मैं इसको हल्के हाथ से ऊपर नीचे कर रही हूँ चावल को, ध्यान से कीजिएगा, चावल टूटना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से मैं ऊपर नीचे कर दी हूँ चावल को। और अब इसमें मैं डालूँगी 1 बड़ा चम्मच तेल। तो आप इसमें इस पॉइंट पे घी भी डाल सकते हैं या फिर तेल भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं तेल डाली हूँ ऊपर से 1 चम्मच, और ऊपर से मैं डाल रही हूँ जो हमने तला हुआ प्याज निकाले थे शुरू में, वो डाल रही हूँ। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया पुदीना डाल देंगे। और अब इसको ढक करके कम से कम धीमी आँच पर 10 से 12 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। इतने में हमारा चिकन और चावल अच्छे से माशाल्लाह पक जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 10 से 12 मिनट हो गए हैं, ऊपर से मैं तवा रख दी थी ताकि अच्छे से भाप बने अंदर। और यहाँ पे देखिए माशाल्लाह ये हमारा पुलाव बन करके तैयार हो गया, और चावल देखिए माशाल्लाह एकदम खिले खिले बने हैं, बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं है ना ही टूटे हैं, और चावल अच्छे से पक भी गया है। तो अभी इसको मैं ढक करके 5 से 10 मिनट और छोड़ देती हूँ गैस बंद करके, उसके बाद मैं निकाल के दिखाऊँगी। तो चलिए यहाँ पर देखिए माशाल्लाह मैं आप लोग को निकाल करके भी दिखा देती हूँ, और चावल देखिए माशाल्लाह एकदम खिले खिले बने हैं फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं। और माशाल्लाह ये पुलाव बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार और टेस्टी बना था फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस पुलाव की खास बात ये है ना फ्रेंड्स कि खाते वक्त कोई भी खड़े गर्म मसाले आपके मुँह में नहीं आते हैं, बाकी मसालों का फ्लेवर टेस्ट आपको पूरा मिलेगा। इसीलिए ये पुलाव सभी को पसंद आता है खाने में, हमारे भी घर में सबको पसंद है ये पुलाव। तो बाकी आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार इस तरीके से। और आप लोगों को मटन यखनी पुलाव की रेसिपी देखनी है ना फ्रेंड्स, तो उसकी भी रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। 2 तरीके से बनाना बताई हूँ फ्रेंड्स,
आप लोग उसकी भी रेसिपी ज़रूर देखिएगा। नगमा किचन मटन यखनी पुलाव की रेसिपी सर्च कीजिएगा तो आप लोगों को उसकी भी रेसिपी मिल जाएगी। नहीं तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप यहां से भी चेक कर सकते हैं। और इस पुलाव को भी ज़रूर बनाइएगा अपने घर में, और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को बनाना बताई हूँ, तो इसको भी ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और रेसिपी के साथ। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।